हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर स्ट्रिंग हैंडलिंग लेक्चर 4। इट मींस लेक्चर 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लेक्चर 1 में मैंने बताया स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। लेक्चर 2 में एक मास्टर प्रोग्राम रिलेटेड टू स्ट्रिंग हैंडलिंग प्रोग्राम्स जिसको यूज़ करके आप मल्टीपल प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम है ये मास्टर प्रोग्राम ही है ऑलरेडी, जिसके बेसिस पर हम प्रोग्राम्स करने वाले हैं। तो लेक्चर 3 में मैंने 5 प्रोग्राम्स डिस्कस किए थे और लेक्चर 4 में मैं अगेन 3 प्रोग्राम्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आपके हो जाएंगे 8। ओके, लेक्चर 3 अगर आपने नहीं देखा है, लेक्चर 2 नहीं देखा है, मैं सजेस्ट करूँगा लेक्चर 1, 2, 3 देखने के बाद ही आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और वो 5 प्रोग्राम से ये टोटली कनेक्टेड है, इसलिए पहले लेवल 1 आपको क्लियर करना है, उसके बाद लेवल 2 क्लियर करना है। ओके, तो यहाँ पर लेक्चर 4 काफ़ी डिमांड थी कि सर लेक्चर 4 अपलोड कीजिए, लेक्चर 4 अपलोड कीजिए। तो आपका इंतजार अब ख़त्म हो चुका है एंड यहाँ पर मैं पहले प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि 3 प्रोग्राम्स हम क्या करने वाले हैं। ओके, ये तो कॉमन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग सेंटेंस वर्ड टेक्स्ट। मैंने कॉमन लिख दिया है, कभी वो बोलते हैं इनपुट अ स्ट्रिंग, कभी बोलते हैं इनपुट अ वर्ड, कभी टेक्स्ट। ओके, अब क्वेश्चन 1 में जो फाइनल मेन कैलकुलेशन वाला पॉइंट है वो है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स। एग्जाम्पल, अगर मैंने एक सेंटेंस या वर्ड एंटर किया एप्पल, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है, 2, ए एंड ई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस एंड डिस्प्ले न्यू वर्ड बाय रिप्लेसिंग वॉवल्स विद द कैरेक्टर फॉलोइंग इट। तो अगर मैंने कंप्यूटर एंटर किया तो यहाँ पर ये आ जाना चाहिए। तो जब मैं इस प्रॉब्लम को समझाऊंगा तो बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। एंड प्रिंट द टेक्स्ट विद अपर केस लोअर केस लेटर रिवर्स बट ऑल अदर कैरेक्टर रिमेन सेम। जैसे वेलकम हमने एंटर किया तो जो कैपिटल है स्मॉल आ जाएगा, स्मॉल है कैपिटल आ जाएगा, और बाकी की जो नंबर्स है वो एज इट इज़ रहेगा, स्पेस एज इट इज़ रहेगा, राइट। तो ये 3 प्रोग्राम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर 2 में मैंने बताया था मास्टर प्रोग्राम, तो ये कम्प्लीटली मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है, बट एक बार मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये इम्पोर्ट हम यूटिल पैकेज इम्पोर्ट कर रहे हैं, फिर हमने यहाँ पर क्लास का नाम लिया है मास्टर अंडरस्कोर प्रोग्राम अंडरस्कोर कैर। यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली क्लास का नाम चेंज करना है, राइट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे वॉवल्स, तो यहाँ पर टोटल वॉवल्स ऐसे क्लास का नाम यूज़ कर सकते हो, क्लास का नाम ये नहीं रखना है, राइट। ये तो मैंने कॉमन नेम रख लिया है, आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम यू नीड टू चेंज द क्लास नेम। ओके, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एज इट इज़ रहेगा, स्कैनर लाइन आपको पता ही है। फिर हमने एक वेरिएबल लिया, आपको एग्जाम में क्या करना है, जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ उस टाइप से करोगे ना तो ज़्यादा करेक्शंस नहीं होंगे। ओके, जैसे स्ट्रिंग str कॉमा, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया कॉमा, इसका मतलब मैंने छोड़ दिया है कि मैं कुछ और अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उन्हें मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ। ओके, बट एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है, अगर आपने छोड़ दिया और आप एज इट इज़ ही छोड़कर आ गए कॉमा के साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार रीचेक करना है, देखना है जो आपने आगे कंटिन्यू करने के लिए छोड़ा था उसे आप बंद भी करना है। तो अगर आपको लगा कि इस प्रोग्राम में और अदर वेरिएबल्स नहीं बनने की ज़रूरत है स्ट्रिंग का, तो आप यहाँ सेमीकोलन लगा दो, कैरेक्टर के अदर वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है तो सेमीकोलन लगा दो। ये वेरिएबल तो नेसेसरी है, बनना ही है, यहाँ पर भी मैंने कॉमा लगाया है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही मुझे अदर वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाकर यहाँ यूज़ कर लूँगा। ओके, जितना हो सकता है बाहरी वेरिएबल बनाने की कोशिश करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्कोप के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है उस स्कोप से बाहर हमें वेरिएबल प्रिंट करना होता है तो आउट ऑफ स्कोप चला जाता है, फिर हमारा वो गलत हो जाता है और यहाँ हमें पता भी नहीं चलता है कि गलत हो गया, राइट, कंपाइलर ही नहीं है, राइट। ओके, फिर हमने यहाँ पर एंटर अ स्ट्रिंग कर दिया, जैसा क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर रहे हैं फाइंड टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स तो और इनपुट अ स्ट्रिंग। तो इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एंटर किया उसका लेंथ निकालना, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है। आप क्या कर सकते हो, एक लाइन छोड़ सकते हो, अगर वो फिलअप भी नहीं किया तो भी ऑड नहीं लगता। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कुछ भी एक्स्ट्रा पता चलता है प्रोग्राम में कि हमें ये चीज़ ऐड ऑन करनी है तो हम इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, एंड कभी कभी सेमी कॉलन के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कोई लाइन ऐड ऑन करनी है आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब ज़रूरत है तब, पहले से ऐसा नहीं कि बहुत सारी लाइन्स आपने ऐड ऑन कर दी, ऐसा नहीं करना है।
जब आप सडनली आपको याद आया कि ये लाइन रह गया और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है एंड वो एक पर्टिकुलर जगह पर आनी चाहिए और वहाँ पर कोई जगह ही नहीं बची है, तब आपको वो डिसीजन लेना है कि आप कोई भी लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। वैसे तो थोड़ा छोड़ छोड़ कर चलना है हमें। और फिर हमने जीरो से लेकर एलियन तक लूप लगाया। ये रिमेम्बर यहाँ इजक्वल टू नहीं आना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि जो भी आपकी स्ट्रिंग होती है, अगर मैंने एप्पल ही एंटर किया तो 0 1 2 3 4 LEN में आएगा 5 1 2 3 4 5, तो हमें लूप चलाना है 4 तक, ना कि 5 तक, इसलिए इज इक्वल टू नहीं आएगा। जो भी बच्चे लेस देन इज इक्वल टू करते हैं वो रॉन्ग है, इसलिए ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है। क्या क्या आप एरर कर सकते हो और जब मैं कॉपीज चेक करता हूँ तो क्या क्या एरर मिलती हैं, मैं वो भी डिस्कस करते हुए चलूँगा। और सी एच के अंदर हमने कैरेक्टर को गेट कर लिया। ये तो था ओल्ड पॉइंट्स जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर लेक्चर 1 2 3 आपने देखा है तो यहाँ तक सब रिपीटेशन नहीं हुआ है, मतलब लिटिल बिट आप बोर हो गए ये समझो, बट थोड़ा सा रिपीट करना भी ज़रूरी है। माइंड में बिल्कुल दिल और दिमाग तक वो चीज़ पहुँचनी चाहिए, इसलिए जितना रिपीटेशन हो ना उतना अच्छा है, इसलिए मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आ गया। अब हमें चेक करना है वॉवल्स। वॉवल्स चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर कैपिटल भी है स्मॉल भी है, इसका मतलब वॉवल्स होते हैं 5। कैपिटल स्मॉल के लिए 10 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। या तो आप 10 कंडीशंस लगाइए कैपिटल के लिए भी स्मॉल के लिए, या अगर आप 5 कंडीशन बचाना चाहते हो तो आप क्या करो, एक और वेरिएबल लेकर उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने लिया टेम्प्ररी वेरिएबल कैर CH1 बना लिया, आप CH1 यहाँ पर भी बना सकते हो क्योंकि हमने जगह छोड़ा है। तो अगर नहीं छोड़ा है तो आप यहाँ बनाओगे, अगर हमने यहाँ पर है तो CH1 ले लिया एंड CH1 इज इक्वल टू, मैं इसे किसी एक में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मतलब लोअर या अपर में, तो अपर लोअर में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस CH, तो यहाँ पर क्या है ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें अपर के लिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर जैसे सपोज़ कैपिटल ए आया भी तो वो लोअर में आने के बाद वो काउंट हो जाएगा, वो स्किप नहीं होगा। तो और यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन लगा देंगे, इफ़ CH1 डबल इक्वल टू स्मॉल ए और CH1 डबल इक्वल टू ई CH1 डबल इक्वल टू आई CH1 डबल इक्वल टू ओ CH1 डबल इक्वल टू यू। तो ये बबल्स हो गए, हमें काउंट करना है। अब देखो काउंटिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा काउंटिंग, तो हमने यहाँ पर एक CNT इज इक्वल टू 0, देखो कितना फ़ायदा हो रहा है, और CNT प्लस प्लस लगा दो। मैंने इफ़ के कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं किए, रिमेंबर अगर सिंगल लाइन है इफ़ के अंदर तो नो नीड कर्ली ब्रैकेट्स, दैट्स वाई। और थोड़ा सा अंदर लिखो जो पता चले ये इफ़ के अंदर है, तो CNT प्लस प्लस कर दिया एंड लूप को कर देंगे बंद और यहाँ पर कर देंगे हम प्रिंट। अब एक बार तो मैंने पूरा SOP लिख दिया है, यहाँ पर मैं SOP LN लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स इज इक्वल टू CNT, तो ये प्रोग्राम हो गया। ये क्वेश्चन है, ये कंप्लीट प्रोग्राम हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगे मेरे सजेशंस और ये प्रोग्राम जो हमने किया। डन। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम है कन्वर्ट इट इन टू लोअर केस, जो भी हम स्ट्रिंग एंटर करेंगे लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। डिस्प्ले न्यू वर्ड, इसका मतलब हमें एक न्यू वर्ड लेना पड़ेगा। एंड रिप्लेसिंग वॉवल्स, इसका मतलब यहाँ पर भी वॉवल लगने वाला है विद द कैरेक्टर फॉलोइंग इट। आपको नहीं पता एक्चुअली, जब मैं प्रोग्राम को चूज़ करता हूँ तो और इसके बाद यही प्रोग्राम और उसके बाद ये प्रोग्राम, चाहता तो मैं पहले ये बताता फिर ये फिर ये, मैंने इनको सिक्वेंसली अरेंज किया है जो आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलने वाला और ना ही ज़्यादातर टीचर्स बताने वाले। तो
तो जो मेरा फंडामेंटल चल रहा है लास्ट के, जो आप लेक्चर 3 में 5 प्रोग्राम्स अगर आपने देखा, तो वो भी अरेंज्ड हैं, है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो किस टाइप से हम उनको फॉलो करेंगे, तो इसके पीछे पूरा एक साइंस और साइकोलॉजिकली पॉइंट्स छुपे हुए हैं जो आपको पता भी नहीं है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो आप 10 मिनट के अंदर समझने वाले वो 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, या जिसके लिए आप 1 आवर लगाने वाले वो हाफ एन आवर में समझ में आ जाएगा, अगर आप इस टाइप से करोगे। ओके एंड चलो, तो अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं। तो इस प्रोग्राम में क्या क्या सेम रहेगा और क्या क्या हट जाएगा उसे हम थोड़ा सा देखते हैं। एक तो हमें एक न्यू वर्ड लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो WRD इज इक्वल टू ब्लैंक, हमने ये ले लिया क्योंकि हमें एक न्यू वर्ड बनाना है, काउंट करना नहीं है, इसलिए हम ये हटा देते हैं और CH1 भी हटा देते हैं। ओके एंड और लास्ट टाइम जब आपने स्क्रीनशॉट निकाला था वहाँ पे सेमी कॉलन लगा लेना, है ना, सेमी कॉलन मैं भी भूल के लगाना। हाँ, तो यहाँ पर अभी मैंने तो सेमी कॉलन लगा दिया है यहाँ पर। ओके और अगर मुझे और भी बनाना है तो मैं सेमी कॉलन कट करूँगा, दूसरे वेरिएबल्स बना लूँगा। वैसे तो दूसरा स्ट्रिंग का पता ही है नहीं ही यूज़ होने वाला है। और बाकी का हमें वॉवल वाली कंडीशन तो चाहिए। ये कन्वर्ट नहीं करना है बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि कन्वर्ट इट इंटू लोअर केस, तो हम लोअर केस में यहीं पर कन्वर्ट कर देंगे। एसी डॉट नेक्स्ट लाइन डॉट टू लोअर केस, आप इस टाइप से जब आप इनपुट कर रहे हो उसी टाइम पे कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप ऐसा कर सकते हो या बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स ऐसे भी मैं str इज इक्वल टू str डॉट टू लोअर केस, या तो आप str इज इक्वल टू str डॉट लोअर केस ये लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो, दोनों नहीं लिखना है, या तो आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो, ये ध्यान रखना है। ओके तो अगर आप ये लिख रहे हो तो इसे हटा दो, और ये लिख रहे हो तो इसे हटा दो। ओके राइट, इसलिए मैंने ये अभी कमेंट कर दिया है, डैट इज़ आल्सो पॉसिबल। ओके लोअर केस में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया, हमने कैरेक्टर निकाला, वॉवल को चेक कर लिया, काउंट तो हमें करना नहीं है, राइट। और अब ये SOP भी हटा ही देते हैं। अभी आप देख रहे हो कि सब कुछ तो वो जो हमने पहले प्रोग्राम में सीखा था वही है, बस उसमें थोड़े थोड़े लिटिल चेंजेस करने आपको दूसरा प्रोग्राम मिल जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, जो पहला प्रोग्राम है वो आपको बहुत ही स्ट्रांगली समझ में आना चाहिए, अगर वो समझ में आ गया है तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो पहले प्रोग्राम को समझते हैं, वॉवल चेक करना है, ये जैसे ओ है तो ओ की जगह क्या आ गया, पी। जब इधर से नहीं समझ में आए कि वो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा मतलब डबल श्योर हो जाओ, है ना, डबल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, आजकल के टाइम में वही चल रहा है। तो यहाँ से भी समझ में आ गया और एग्जांपल से भी समझ लो, तो उससे क्या है, आप डबल सिक्योर हो जाओगे कि एग्जैक्टली हमें प्रोग्राम में क्या करना है। तो ओ की जगह पी आ गया, एम एज इट इज़, पी की जगह पी है, यू की जगह वी आ गया, है ना, टी की जगह टी है, ई की जगह एफ आ गया। तो कन्वर्टेड इंटू फॉलोइंग कैरेक्टर, तो फॉलोइंग कैरेक्टर मतलब उसके आगे वाला जो कैरेक्टर है वो आ जाना चाहिए उसकी जगह पर, रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा, तो जैसे ही वॉवल मिलेगा उस टाइम पर हमें क्या करना है, उसके आगे वाला कैरेक्टर, हमने इफ का ब्रैकेट स्टार्ट किया, मे बी 2-3 लाइन्स हो सकती हैं इसलिए। तो सबसे पहले हमने इस कैरेक्टर का नेक्स्ट फॉलोइंग कैरेक्टर निकाला, वही दूसरा ले लो, यहाँ पर CH1 फालतू में रिलीज कर दिया। तो CH1 इज इक्वल टू CH+1, इससे क्या होगा, इसका फॉलोइंग कैरेक्टर आ जाएगा, CH1 के अंदर आएगा, और फिर हमें वर्ड में उसे ऐड कर लेना है, WRD इज इक्वल टू WRD+CH1, है ना, WRD इज इक्वल टू WRD+CH1। क्या होगा, जैसे ही वॉवल मिलेगा, आप देखो जैसे ही ओ मिला, ओ का नेक्स्ट कैरेक्टर प्लस होगा और CH1 में आ जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। बिल्कुल समझने का रिजल्ट, तो टेंशन ही नहीं है, राइट। एल्स,
लेकिन वावल नहीं मिला, तो जो वर्ड में जो कैरेक्टर वो एज इट इज ऐड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो सी एच निकला वो एज इट इज ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये यह लूप को मैंने बंद कर दिया, राइट। वो अगर वावल आएगा उसका आगे वाला कैरेक्टर निकाल के उसको ऐड कर दिया, और अगर सी एच वन का टेंशन नहीं भी लेना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो एक तो ये तरीका हो गया, समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अगर सी एच वन की हेल्प नहीं लेनी है तो आप सीधा प्लस वन करके इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन ये है कि जब प्लस वन होगा, पता चला यहाँ पर कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो सेफेस्ट वे था जो मैंने पहले बताया, तो आपको इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा ऐसे। वो ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, कन्वर्जन भी लग जाएगा, सी एच वन प्लस वन। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, प्लस वन किया उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट किया तब हमने उसको ऐड किया। तो अलग अलग तरीके हैं, कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो, वो जो पहले बताया वो भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर ये फॉलो कर सकते हो, दोनों में से कोई भी फॉलो हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं, यहाँ लूप बंद हो गया है, तो एस ओ पी लूप के बाहर न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग या न्यू वर्ड प्लस डब्ल्यू आर डी आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो अगर समझाना है तो मैं समझा भी देता हूँ यहाँ पर, कि हमारे पास ये दो लाइनें हैं, डब्ल्यू आर डी इज इक्वल टू डब्ल्यू आर डी प्लस, एक लाइन आपका ये है ओनली सी एच प्लस हो रहा है, सी एच प्लस हो रहा है, या फिर सी एच प्लस वन प्लस होगा। दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है, वो तो हमें पता चल जाएगा कब क्या करना है। तो देखो सबसे पहले आपका निकल कर आया सी, ओके, तो सी के केस में कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, सीधा ये आएगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट चलेगा। यहाँ पर सी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आपका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ओ निकल कर आएगा, ओ के केस में ये वाला पॉइंट चलेगा, मतलब सी प्लस वन वाला पॉइंट चलेगा, तो ओ का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और यहाँ पर है सी, तो आंसर आ गया सी पी। देखो सी पी आंसर आ गया, स्टार्टिंग के टू थ्री लेटर्स अगर आ गए तो आगे के तो आ ही जाएंगे, फिर आएगा एम, एम पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पर सी एच प्लस नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्ट चलेगा, राइट। तो यहाँ पर एम आ जाएगा, यहाँ सी पी ऑलरेडी है, तो सी पी एम आंसर आ जाएगा। सिंपल ये है पॉइंट, वॉवल आया तो उसका प्लस होकर ऐड हो जाएगा, और अगर वॉवल नहीं है तो नॉर्मली ऐड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पर, प्रिंट टेक्स्ट विद द अपर केस लोअर केस लेटर रिवर्स्ड। ओके, अपर केस को लोअर केस में, लोअर केस को अपर केस में रिवर्स करना है, बट ऑल अदर कैरेक्टर मीन सेम। तो यहाँ पर आप एग्जांपल से देख रहे हो, कैपिटल डब्ल्यू है स्मॉल हो गया, स्मॉल ई है कैपिटल हो गया, राइट। तो इस टाइप से, और जो नॉर्मल स्पेस है वो एज इट इज रहेगा, वन टू थ्री है सिम्बल्स है वो एज इट इज रहेगा। ओके, तो अब इसमें क्या है, इसमें वॉबल्स की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हमारा क्या क्या इरेज हो जाएगा, वॉवल्स वाली लाइन चली जाएगी, वॉवल्स वाला टेंशन खत्म। ओके, एंड यहाँ पर एक नॉर्मल स्ट्रिंग हमें एंटर करना है, कुछ भी कन्वर्जन नहीं करना है। ओके, ये चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, और प्रिंट टेक्स्ट विद द अपर केस, ओनली प्रिंट करना है तो हमें बनाना तो नहीं है, ऑनली हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो हमें अपर केस लोअर केस थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि अपर केस लोअर केस में किस टाइप से आप उसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट टू अपर केस से कर लोगे और या टू लोअर केस से कर लोगे। लेकिन लोअर केस में कब चेंज करेंगे, जब वो अपर में होगा, अपर में कब चेंज लोअर में कब चेंज करेंगे, अपर में होगा, और अपर में कब चेंज करेंगे, जब वो लोअर में होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेकिंग भी करनी पड़ेगी, इज इट इन अपर केस और लोअर केस, और ये कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, है ना, कंडीशन ट्रू हुई ये पहला पार्ट चले जाएगा। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, डबल इक्वल टू ट्रू
अगर नहीं भी इतना पार्ट नहीं भी लिखा, केवल इतना ही लिखा तो भी चलेगा, और डबल कोट ट्रू लिखा तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे ही वो अपर केस में है तो आपको क्या करना है, उसको लोअर केस में प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, SOP, अब देखो SOP मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, LN नहीं, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस CH, ओके। तो अगर अपर केस में होगा लोअर केस में प्रिंट हो जाएगा, एल सेफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस CH। इसमें मैं कंडीशन ऐसे लिख रहा हूँ, दोनों आपको आइडिया हो जाएगा, ये नहीं कि मैं भूल गया, दोनों से चल जाएगा, इससे भी चल जाएगा दोनों, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको हर तरीके से जो नॉलेज है वो देना चाहता हूँ, कि दोनों आपको आइडियाज़ आने चाहिए, जैसे कि कहीं आगे फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना हो। डबल इक्वल टू ट्रू भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो एक केस में मैंने डबल इक्वल टू ट्रू यूज़ कर लिया, एक में मैंने डबल इक्वल टू ट्रू यूज़ नहीं किया, और वो काम फिर भी करेगा, ओके। देन यहाँ पर SOP कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और अब उन्होंने क्या बोला है, अगर अपर केस लोअर केस नहीं है, कोई दूसरा कैरेक्टर, वो एज इट इज़ आ जाना चाहिए, तो उसको हम एज इट इज़ प्रिंट कर देते हैं। हाँ, तो ये हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया जिसमें हमने ये प्रिंट किया CH। तो अगर कैरेक्टर डॉट इज अपर केस है तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और लोअर केस है तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो नॉर्मली वो प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो ये लेक्चर 4 कंप्लीट हुआ, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, एंड लेक्चर 5 में अगेन मैं 3-4 प्रोग्राम्स आपको अगेन देने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ लेक्चर 5 भी आना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ओके। थैंक यू सो मच।